दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये हमारी दो समीकरण हैं, समीकरण एक ये है और समीकरण दो ये है। तो हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू जीरो। क्योंकि जब भी हमारी कोई संख्या इक्वल टू से इधर हो और हमें इक्वल टू से दूसरी तरफ लेनी है, राइट या लेफ्ट साइड लेनी है, तो अगर उसके चिन्ह प्लस हो तो माइनस हो जाता है और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो चलिए करते हैं। और फिर अब दूसरी समीकरण है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 8। ये आप देख सकते हो समीकरण एक ये है हमारी और समीकरण दो ये है। स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल गौरव मैकेनिकल क्लासेस में। वज्र गुणन विधि में हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 के मान ज्ञात होने चाहिए। तो करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे A1 इक्वल टू, A1 हमारे ये हो गया, A1 हो गया हमारा 2, B1 हो गया हमारा B1 इक्वल टू 1 और C1 हो गया हमारा C1 इक्वल टू माइनस 5। ये हो गया। अब दूसरे करते हैं, ये हो गया हमारा A2 इक्वल टू 3 और B2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू माइनस 8। तो ये हमारा फॉर्मूला है x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1। ये हो गया इक्वल टू y अपॉन C1 A2 C2 A1। ये हो गया इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम इसके मान रख देंगे सभी के। x अपॉन B1 का मान क्या है हमारा 1 इंटू, C2 का मान क्या है माइनस 8, ये हो गया माइनस, B2 का मान क्या है हमारा 2 इंटू और C1 का मान क्या है हमारा माइनस 5, ये हो गया इक्वल टू y अपॉन C1 का मान क्या है हमारा माइनस 5 और A2 का मान क्या है हमारा इंटू 3 हो गया माइनस और C2 का मान क्या है हमारा माइनस 8 और A1 का मान क्या है हमारा 2 इंटू 2 हो गया, ये हो गया इक्वल टू 1। A1 का मान क्या है हमारा 2 इंटू, B2 का मान क्या है हमारा 2 माइनस, A2 का मान क्या है हमारा 3 इंटू और B1 का मान क्या है हमारा इंटू 1। ये हो गया, तो हो गया x अपॉन 8 बन जा 8, तो हो गया माइनस 8, 5 टू जा 10, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया हमारा यहाँ पे प्लस 10। ये हो गया इक्वल टू y अपॉन 5 थ्री जा 15, तो हो गया हमारा माइनस का 15, माइनस 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 प्लस 8 टू जा 16, ये हो गया इक्वल टू 1 अपॉन
टू टू जा फोर माइनस थ्री वन जा थ्री, ये हो गया x अपॉन टेन में से एट माइनस हुआ तो हो गया हमारा टू, और y अपॉन सिक्सटीन में से फिफ्टीन माइनस किया तो हो गया हमारा वन इक्वल टू फोर में से थ्री माइनस हुआ तो वन आया। अब हम x और y का मान निकालने के लिए एक बार x अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन वन करेंगे, y अपॉन वन इक्वल टू वन अपॉन वन को लिखेंगे, फिर होगा x की इससे करी और टू की इससे करी तो हो गया x इक्वल टू टू, और y की वन से करी और वन की वन से करी तो हो गया y इक्वल टू वन। एक्स का मान जो आया है हमारा टू आया है और y का मान जो आया है वन आया है। इस प्रकार से हम वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरणों को सॉल्व करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।